Very good morning, all of you students. Today I am going to tell you about the interrogative and negative sentences. आप प्रेजेंट परफेक्ट हैं। कल आप लोग पढ़े थे इंटरगेटिव सेंटेंस, आज इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हम रूल लिखेंगे, यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए, शुरुआत में आए और नकारात्मक शब्द मीन्स नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आता, आए तो सबसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब में सहायक, सहायक क्या क्या है आपका? है क्या है प्लस क्या लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखोगे? वर्ब। नॉट क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। हैज है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया प्लस की। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो? ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले और नकारात्मक शब्द के बीच में, तो उसके रूल है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया रूल के अंदर है, या और यू के साथ तू के साथ क्या लगता है? है लगेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर है। तो है यू, इसके बाद ये यू आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाओगे, है यू नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, क्या लिखोगे? ड्रंक। हैव यू नॉट ड्रंक वाटर? ये आपका सेंटेंस। हैव यू नॉट ड्रंक वाटर? क्या तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो? ये लगाएंगे। अब हम ऐसे एग्जांपल और आप लोग बराबर घर पर करिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाकर जैसे बनाया हूँ, ऐसे और भी वर्ड लेकर के सेंटेंस आप बनाइए। एक दूसरा रूल देख लीजिए, इसका दूसरा रूल है, पहला रूल था, ये दूसरा रूल है। यह प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, दोनों प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द, दोनों ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, दोनों बीच में आ जाए, तो हमारा रूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
इसको अच्छे से जानते ही हो, पिछले टेंस में पढ़ चुके हो। सबसे पहले उठेंगे प्रश्नवाचक शक्ति, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखोगे और क्या लिखोगे? हेड टू वर्ड जानते ही हो, प्रश्नवाचक के बाद हेड टू वर्ड आता ही है। हेड टू वर्ड आपको मालूम ही है, हैज या हैव रहेगा, हैव किसके साथ रहेगा, हैज किसके साथ रहेगा, ये तुम्हें पता है। प्लस सब्जेक्ट लिखोगे, नॉट अपनी जगह कायम रहेगा। प्लस हम लिख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस ईटीसी लिखोगे, ये आपका रूल बन गया। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा, वे वह अपनी किताब, वह अपनी किताब, ये सेंटेंस है, वह अपनी किताब क्यों नहीं, दोनों आगे बीच में क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, ये आपका आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया आपका। अब क्या लिखोगे, क्योंकि मेरी सबसे पहले रूप में देखते चलो, वाई लिखेंगे और सहायक क्रिया दे है, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, है, इसके बाद दे लिखोगे, सब्जेक्ट हो गया, भूल देते रहो, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, इसके बाद रेड, अब दे, अपनी की अंग्रेजी, अपनी किताब दे के साथ दे, क्या लिखोगे, टी एच ई आई आर, दे आपका दूसरा। ऐसे ही आप लोग करते रहोगे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये हर रूल पर ध्यान देते चलो। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।